हम आदि पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। जो आपकी जीके की बुक है इसका नेम क्या है? जीके प्लैनेट। और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 में हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी। यूनिट 4 हम कंप्लीट कर रहे थे जिसका चैप्टर नंबर 13 और 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 6 जीके के नेम से, तो सारी वीडियोस वहां पे आपको एक साथ मिल जाएगी देखने के लिए। हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि है पेज नंबर 23 पर। ओके, तो चैप्टर नंबर 15 जो है वो 23 पेज पर है जिसका नेम है फेमस म्यूजियम्स। ओके, फेमस म्यूजियम्स, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अ म्यूजियम इज अ बिल्डिंग विच ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल साइंटिफिक आर्टिस्टिक और कल्चरल इंटरेस्ट आर डिस्प्लेड फॉर अ पब्लिक व्यू। देयर आर सम वंडरफुल म्यूजियम इन द वर्ल्ड विजिट। तो म्यूजियम क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है। म्यूजियम एक बिल्डिंग होती है जिसमें हिस्टोरिकल साइंटिफिक और आर्टिस्टिक कल्चरल ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, क्लियर, जो कि पब्लिक व्यू के लिए रहते हैं। उनको हम सेफली क्या करते हैं, एक जगह पर रखते हैं, जो कि बहुत पुरानी पुरानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देखने के लिए बेसिकली उनको म्यूजियम बनाया जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है। तो कुछ बहुत फेमस म्यूजियम्स हैं पूरे वर्ल्ड के जो हमें देखने चाहिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और उससे हमें पहचानना है कि ये कौन सा म्यूजियम है। सबसे पहला जो म्यूजियम है वो है इजिप्शियन म्यूजियम। कौन सा? इजिप्शियन म्यूजियम। तो इसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है हमारा सी वाला पार्ट, जो हमारा सी वाला पार्ट है इसका ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन द मिडिल ईस्ट। ओके, मिडिल ईस्ट में सबसे पुराना म्यूजियम है एक तरीके से। इट हैज़ अ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पैरालोनिक एंटीक्विटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट लोकेटेड इन द कैरियो इजिप्ट। कैरियो इजिप्ट में ये क्या है? लोकेटेड है। तो इसका नेम जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट वाले का वो क्या हो जाएगा? सी वाला पार्ट, क्लियर। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या लिखा है? वेटिकन म्यूजियम। क्या है हमारा? वेटिकन म्यूजियम। तो सेकेंड का जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी वाला पार्ट। कौन सा? डी वाला पार्ट। ये क्योंकि इसका वेटिकन म्यूजियम नाम है तो वेटिकन में ही सिचुएटेड होगा। दिस म्यूजियम हैज अ आर्ट कलेक्शन ऑफ द पोप्स सिंस द बिगनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी। आर्ट कलेक्शन जो पोप्स के इसमें रखे गए हैं कब से? 15th सेंचुरी के बिगनिंग से जो कि आर्ट कलेक्शन है पोप के वो रखे गए हैं इस म्यूजियम में। द फेमस आर्टिस्ट ये जो भी नेम है ना, डेडिकेटेड ऑलमोस्ट 10 ईयर ऑफ हिज लाइफ टू द पेंटिंग्स डेट कवर द वॉल्ट एंड द वॉल ऑन द अल्टर ऑफ दिस स्टेटिन चैपल। ओके, तो ये जो एक पेंटर है इनने अपने लाइफ के लगभग 10 साल दे दिए है ना, जो कि इनकी वॉल पर क्या है इस म्यूजियम में पेंटिंग्स लगाई गई हैं, क्लियर, या फिर बनी हुई हैं। तो बस ये वाला जो म्यूजियम है ये कहाँ पर, इसका सही डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला पार्ट है, क्लियर। तो ये वेटिकन सिटी में ये म्यूजियम हमें देखने को मिलेगा। तो काफी सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग इसमें म्यूजियम में हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं द लवर है ना, तो इसका जो सही डिस्क्रिप्शन होगा थर्ड वाले का वो होगा हमारा ई वाला पार्ट। थोड़ा रीड करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि पेरिस में है ना। पेरिस कहाँ पर पड़ता है हमारा? फ्रांस में। इट्स कलेक्शन इंक्लूड्स इजिप्शियन एंटीक्विटीज, एशियंट ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर। ओके, तो ये इसमें क्या है? इजिप्ट की एंटीक्विटीज रखी गई है, एशियंट ग्रीक रोमन स्कल्पचर रखे हुए हैं। द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा इज ऑल्सो डिस्प्लेड हियर। मोनालिसा की भी जो पेंटिंग है आपने देखी होगी, मोनालिसा की पेंटिंग वो भी इस म्यूजियम में रखी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का क्या? ई वाला पार्ट। तो मैं लिख देता हूँ थर्ड का ई, क्लियर। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ जो है वो कहाँ पर है? देखो नीचे बना हुआ है फोर्थ ही है। तो फोर्थ का नेम क्या है? इसको थोड़ा सा पढ़ना आप एक बार क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड में पढ़ता हूँ। द SML दिस ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये रीड कर लेना, प्रोनाउंस कर लेना जो भी लिखा हुआ हो। इसका जो फोर्थ का सही आंसर है वो है हमारा ए वाला पार्ट है ना। दिस वर्ल्ड रिनोड म्यूजियम एंड रिसर्च कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 17 म्यूजियम। मीन्स इस अकेले म्यूजियम में ही 17 म्यूजियम डिफरेंट पाए जाते हैं, गैलरीज एंड अ जू, और जू भी मिलती है इसमें, क्लियर। इसलिए इसका नाम इंस्टीट्यूशन भी रखा गया है।
इट इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी द यूएस, यूएस वॉशिंगटन डीसी में हमें देखने को मिलेगा ये जो म्यूजियम है। क्लियर? तो जो हमारा फोर्थ का है वो क्या हो गया, ए वाला पार्ट, फोर्थ का ए। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में है स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम। ओके, इसका जो फिफ्थ वाले का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो है हमारा एफ वाला पार्ट, लोकेटेड इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में लोकेटेड है। ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है ये। इट वॉज फाउंडेड इन 1764 एट कैथरीन इन द ग्रेट एज अ पोर्ट म्यूजियम। क्लियर? सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट म्यूजियम है ये, जो कि सेंट पीटरबर्ग रशिया में लोकेटेड है। ये फाउंड कब हुआ था, 1764 में। क्लियर? इट ऑल्सो हैज अ प्राइसलेस पेंटिंग्स क्रिएटेड बाय फेमस पेंटर सच एज वान गॉग एंड लियोनार्डो डी विंची। ओके, तो ये जो बहुत ही फेमस पेंटर है इनकी भी पेंटिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, तो फाइव हो गया। अब सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है, सिक्स्थ का जो बस बचा हुआ होगा वही होगा हमारा, तो बी वाला बचा था तो वही है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। ओके, तो इसमें लिखा है लंदन में लोकेटेड है, इट हाउस आर्ट फैक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इट्स कलेक्शन स्पैन 5000 ईयर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी सच एज क्रेमिक ग्लास फर्नीचर सिल्वर एंड आयरन वर्क्स। ओके, ये सब देखने को मिलता है यहाँ पे स्कल्पचर। इट वॉज एस्टेब्लिश एट 1852, 1852 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो है हमारा बी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखो कितना शानदार लग रहा है, तो ये म्यूजियम है ना हमें देखने को मिलेगा लंदन में। क्लियर? तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट। 15 के बाद हम देखेंगे 16। ओके, तो वो भी मिल जाएगी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? तो इसके साथ ही साथ मैथ और साइंस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन सारी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।